दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम ओला उबर के ड्राइवर बुकिंग के लिए वेट करते रहते हैं और बुकिंग आती है और 10-20 सेकंड के अंदर तुरंत कैंसिल हो जाती है। तो हम ड्राइवर भाई सोचते हैं, अरे क्या हुआ, कस्टमर को इतनी जल्दी थी, बुक किया और तुरंत कैंसिल कर दिया और हम बात को छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो ओला उबर की बुकिंग आती है और तुरंत कैंसिल हो जाती है, इसमें ओला उबर की गलत पॉलिसी के कारण, गलत नियम के कारण इसका नुकसान हम ड्राइवर भाइयों को होता है। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसका नुकसान ड्राइवर भाइयों को कैसे होता है और ये बुकिंग तुरंत आते ही कैंसिल क्यों हो जाती है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आप वीडियो आधा देखेंगे या भगा भगा के देखेंगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, होता ऐसा है, कई कस्टमर लोगों को ओला उबर की गलत पॉलिसी क्या है, इसका कैसे फ़ायदा उठाएँ और पता चल गया है। तो कई कस्टमर लोगों को जाना होता है उबर के प्राइम गाड़ियों में या उबर के प्रीमियर गाड़ियों में, पर जानबूझ के कस्टमर उबर गो बुक करते हैं। उसी तरह कई कस्टमर लोगों को जाना होता है ओला को, जो बड़ी गाड़ियां होती है सीडान टाइप, जिसे ओला प्राइम कहते हैं, या ओला सीडान की गाड़ियों में जाना होता है, लेकिन वो लोग जानबूझ के ओला मिनी बुक करते हैं। इसमें ओला उबर की गलत पॉलिसी ये है कि पहले जो भी गाड़ियां होती थी उसको अपनी कैटेगरी की बुकिंग ही आती थी। तो जो हैचबैक की गाड़ियां होती हैं, छोटी गाड़ियां, उनको केवल छोटी गाड़ियों की बुकिंग आती थी, और जो प्रीमियर गाड़ियां होती थी, सीडान गाड़ियां होती थी या प्राइम प्लस गाड़ियां, वो बड़ी कैटेगरी गाड़ियां, उनको उस बड़ी कैटेगरी की गाड़ियों की बुकिंग ही आती थी। पर अब ओला उबर की गलत पॉलिसी ये है कि ओला उबर कंपनी ने जो उबर प्रीमियर गाड़ियां होती है या उबर की प्राइम गाड़ियां या उबर की सीडान गाड़ियां होती है, उनके डिवाइस में भी ऑप्शन डाल दिया है कि उनको ओला मिनी या उबर गो की बुकिंग भी आना शुरू हो गया है। तो पहले ऐसा सिस्टम था कि ड्राइवर चाहे तो अपनी कैटेगरी के अलावा जो छोटी कैटेगरी की बुकिंग थी उसको बंद चालू कर सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि ओला उबर की डिवाइस में जो ओला प्राइम की गाड़ियां हैं या उबर प्रीमियर गाड़ियां हैं, उनको भी छोटी कैटेगरी यानी कि ओला मिनी और उबर गो की बुकिंग आती है। तो इसमें क्या होता है कि कई ड्राइवर लोग ऐसे एरिया में खड़े होते हैं जहां उनको बुकिंग कम मिल रही है, या कई ड्राइवर को उस लोकेशन में जाना होता है तो छोटी कैटेगरी को बुकिंग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या काफ़ी टाइम वेट करते हो गया है तो ड्राइवर लोग परेशान होकर छोटी कैटेगरी की बुकिंग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी बात का फ़ायदा ये कस्टमर उठाते हैं। तो कस्टमर जानबूझकर छोटी कैटेगरी की गाड़ियां बुक करता है जबकि उन्हें जाना होता है अच्छी कैटेगरी में। जैसे कि किसी कस्टमर को जाना है उबर प्रीमियर में या ओला प्राइम में, ओला सीडान में, लेकिन जानबूझ के कस्टमर ओला मिनी बुक करता है या उबर गो बुक करता है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि कोई ना कोई बड़ी कैटेगरी का ड्राइवर मेरी छोटी कैटेगरी में भी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब इस कस्टमर ने बुकिंग बनाया और वो कोई ना कोई ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब डिटेल मिलता है कस्टमर को और वो चेक करता है कि अरे मैंने छोटी गाड़ी बुक की थी और छोटी गाड़ी ही आ गई, तो तुरंत कैंसिल कर देता है। तो कस्टमर फिर से बुकिंग बनाता है और सोचता है कि इस बार छोटी कैटेगरी में बुकिंग बनाने के बाद मुझे बड़ी कैटेगरी की बुकिंग मिल जाएगी। तो जब कस्टमर इसी तरह 2-3 बार बुकिंग बनाता और कैंसिल करता है, तो अगर कस्टमर के पास टाइम होता है तो वो 2-3 बार और ट्राई करता है, पर अगर कस्टमर का टाइम कम होता है तो छोटी कैटेगरी की बुकिंग करने के बाद वो छोटी कैटेगरी गाड़ी में ही चला जाता है। लेकिन इस ओला उबर की गलत पॉलिसी का नुकसान ड्राइवरों को होता है। तो कई ड्राइवर सोचते होंगे कि इसका नुकसान हमें कैसे होगा, कस्टमर बुकिंग कैंसिल किया उसमें हमारा क्या नुकसान है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओला उबर की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल किया या ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल किया, उसका नुकसान ड्राइवर को ही होता है, क्योंकि ड्राइवर का होता है कंप्लीशन रेट, यानी कि आपको ओला उबर कितनी बुकिंग देता है उसको आप कितनी बुकिंग पूरी करते हो, वो सब काउंट होता है, वो सब गिनती होता है। ड्राइवर कितनी बुकिंग छोड़ता है, कितनी कैंसिल करता है, कितनी पूरी करता है, इस सब का एक रेशियो बनता है, उनका कंप्लीशन रेट बनता है। तो जिस ड्राइवर का कंप्लीशन रेट ज़्यादा अच्छा होगा उसे ज़्यादा बुकिंग मिलती है, और जिस ड्राइवर का कंप्लीशन रेट कम होता है उसको कम बुकिंग मिलती है। उसी तरह जो ड्राइवर ज़्यादा बुकिंग एक्सेप्ट करता है उसको बुकिंग ज़्यादा मिलती है, और जो ड्राइवर बुकिंग कम एक्सेप्ट करता है उसको बुकिंग कम कर दी जाती है। क्योंकि जो कस्टमर छोटी कैटेगरी गाड़ी बुक करते हैं और सोचते हैं बड़ी कैटेगरी गाड़ी मिल जाएगी, और जब उनको छोटी कैटेगरी गाड़ी मिल जाती है तो वो लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इसका नुकसान भी हम ड्राइवर भाइयों को इसी तरह होता है कि हमारा कंप्लीशन रेट कम हो जाता है। तो ये ओला उबर की गलत पॉलिसी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। पहले ऐसा था कि ड्राइवर लोग चाहे तो
बड़ी कैटेगरी के ड्राइवर छोटी कैटेगरी की बुकिंग बंद कर सकते थे, ऑन ऑफ कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब छोटी कैटेगरी की बुकिंग को बंद करने का ऑप्शन ओला उबर ने निकाल दिया है, तो अब हर बड़ी कैटेगरी गाड़ियों को छोटी कैटेगरी की बुकिंग मिलती ही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो उस ओला उबर के एम्प्लॉय तक पहुँच जाए जो इस कैटेगरी का नुकसान ड्राइवरों को किस तरह हो रहा है उस बारे में सोचे, और शायद जो ओला उबर के कैटेगरी का चुनने का ऑप्शन है उसको ठीक से चालू फिर से चालू कर दिया जाए और इसका नुकसान ड्राइवरों को ना हो। दोस्तों, कुछ पूछना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।